फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एनिमल्स की प्रजाति के अंदर किसका मुंह सबसे ज्यादा खुलता है? नो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गेसिंग, हिप्पोपोटामस का मुंह सबसे ज्यादा खुलता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं बात करूंगा मुंह कम खुलने की बीमारी के बारे में, यानी कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में। ये बीमारी में मुंह कम खुलता है, तो आज के वीडियो में जानेंगे मुंह कम खुलने की बीमारी एग्जैक्टली क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये बीमारी के स्टेजेस यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम माइल्ड मॉडरेट टू सीवियर स्टेज क्या होता है, और उनकी क्या ट्रीटमेंट होती है जिससे पेशेंट का मुंह वापस से ज्यादा खुल सके। तो आज के वीडियो में बात करेंगे ये सब कुछ और बहुत कुछ। मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा, अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करेंगे कि आखिर ये मुंह कम खुलने की बीमारी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वो एग्जैक्टली क्या होता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इसमें मुंह के अंदर के जो टिश्यूज है, मुंह के अंदर की जो स्किन चमड़ी होती है वो धीरे धीरे करके हार्ड होती है और पेशेंट्स का मुंह धीरे धीरे करके अपने नॉर्मल लिमिट से कम खुलता है। अब ये होने का रीज़न मोस्टली पान फाकी खाना, गुटखा चबाना जिसको टोबेको च्यूइंग या तो सुपारी खाना एरेक्नेट च्यूइंग हम बोलते हैं, या तो स्मोकिंग, ये सब हैबिट्स की वजह से, टोबैको च्यूइंग की वजह से जो टॉक्सिन्स रहते हैं वो पेशेंट के मुंह के अंदर की स्किन में अंदर जाके धीरे धीरे करके जो स्किन का लेयर है उसमें चेंजेस लाते हैं और धीरे धीरे करके अंदर के जो कोलाजन फाइबर से वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं और टिश्यूज अपना हार्डनिंग और फाइब्रोसिस की वजह से मुंह थोड़ा कम खुलने लगता है। जितना ज़्यादा समय से जो हैबिट रहती है उतना ज़्यादा धीरे धीरे करके लोगों का मुंह पैक होने लगता है। ज़्यादातर ये जो बीमारी वो मेल पेशेंट्स में पाई जाती है, क्योंकि जो टोबैको च्यूइंग की हैबिट या तो स्मोकिंग वगैरह रहता है वो मेल पेशेंट्स में ज़्यादा रहता है। तो ये कंडीशन है उसको प्री मेलिग्नेंट कंडीशन भी बोलते हैं। प्री मेलिग्नेंट कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन कि जिसमें आगे जाके अगर ये कंडीशन हम कंटिन्यू करते और पेशेंट अगर अपना हैबिट जो टोबैको का है वो चालू रखता है तो आगे जाके उसमें से कैंसर होने का खतरा रहता है। इसीलिए ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस यानी कि जो मुंह कम खुलने की बीमारी है उसको प्री मेलिग्नेंट कंडीशन भी कहा जाता है, कि जिसमें अगर पेशेंट समय इस पे अपना प्रिकॉशन नहीं रखता है तो आगे जाके काफ़ी लोगों को इसमें से ओरल कैंसर भी हो सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किसी को अगर ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है या नहीं है, क्या है ये बीमारी के लक्षण। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सबसे पहले जो किसी को भी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है वो पेशेंट में टोबैको च्यूइंग या तो स्मोकिंग का हैबिट रहता है, तो ऐसे ही नॉर्मल किसी को भी ओएसएमएफ नहीं होता है। अब ये पेशेंट्स में अगर धीरे धीरे करके जैसे बीमारी आगे बढ़ती है तो सबसे पहले उसमें स्किन में चेंजेस आता है। स्किन में जो चेंजेस आता है उसमें सबसे पहला होता है कलर चेंज। जो नॉर्मल हमारी मुंह की अंदर की स्किन है वो पिंक कलर की रहती है, जो धीरे धीरे करके वाइटिश हो जाती है, तो सबसे पहला कलर चेंज आता है। कि अगर कोई अपनी स्किन को मुंह के अंदर की स्किन को ऑब्जर्व करेगा तो पता चलेगा कि स्किन का कलर चेंज होता है स्टार्टिंग फ्रॉम पिंक टू वाइट। बाद में धीरे धीरे करके बर्निंग सेंसेशन यानी मुंह में जलन की समस्या या तो मुंह में छाले पड़ना वो शुरू हो जाता है। आगे जाके पेशेंट को ड्राइनेस यानी कि मुंह सूख जाना उसकी कंप्लेन होती है, क्योंकि धीरे धीरे करके जो लाड़ ग्रंथि की लाड़ है वो धीरे धीरे सिक्रीट होना कम हो जाती है तो ड्राइनेस पता चलती है। ये पेशेंट्स को आगे जाके थोड़े एडवांस लेवल में पता चलता है कि मुंह कम खुल रहा है। नॉर्मल हमारा जो माउथ ओपनिंग है जो हमने प्रीवियस फोटो में देखा वो अराउंड 35 to 45 mm तक रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके जिस पेशेंट में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है उसमें माउथ ओपनिंग थोड़ा कम होना स्टार्ट होता है, मुंह थोड़ा बंद होने की शुरुआत पता चलती है। और ये पेशेंट्स में फंक्शनल प्रॉब्लम यानी कि मुंह जो ज्यादा नहीं खुलता है तो उससे फंक्शनल मूवमेंट, ऐसे करके जो हम मूवमेंट लेते हैं चीक के रीजन की, वो कम हो जाती है। इसकी वजह से पेशेंट्स को गोलगप्पे खाने में प्रॉब्लम होता है, या तो ज़्यादा मुंह खुल के कोई भी चीज़ अगर खानी पड़ती है या तो बलून फुलाना, फुग्गा जो फुलाते उसमें प्रॉब्लम पता चलता है। तो ये है बीमारी के लक्षण कि जिसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। फ्रेंड्स, आपने अगर ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में किसी का भी मुंह कम खुल रहा है, किसी को भी टोबैको च्यूइंग या तो स्मोकिंग की हैबिट है तो उन लोग को ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाए ताकि उन लोग की अच्छे से हेल्प हो सके। अब बात करेंगे मुंह कम खुलने की बीमारी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के क्या स्टेजेस होते हैं और स्टेजेस के अकॉर्डिंग उसकी पर्टिकुलर क्या ट्रीटमेंट होती है। तो कमिंग टू स्टेज वन में जो पेशेंट का मुँह है वो 30 to 35 mm तक खुलता है, 30 to 35 mm। ये स्टेज ऐसा होता है कि जब पेशेंट कभी भी डॉक्टर के पास रिपोर्ट नहीं करता है तो हमको डे टू डे ओपीडी बेसिस में ये पेशेंट्स देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये स्टेज में
कोई भी तकलीफ नहीं पता चलती है, खाली जस्ट ऊपर की चमड़ी में जो पिंक लेयर की स्किन होती है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस होकर स्किन वाइट होना स्टार्ट होती है और माउथ ओपनिंग है वो 40 टू 45 mm की रेंज में से थोड़ा कम होता है, तो पेशेंट को बेसिकली ज़्यादा डिस्कम्फर्ट या तो प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई कोई पेशेंट्स को हल्का सा बर्निंग सेंसेशन यानी कि थोड़ी बहुत मुँह में जलन होना स्टार्ट होती है, तो अगर ये टाइम पर अगर कोई भी डिसाइड करता है कि अपना मुँह वापस से कैसे ज़्यादा खुले तो ये बेस्ट स्टेज होता है ट्रीटमेंट करने का और उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोग्नोसिस मिलता है। ये स्टेज की ट्रीटमेंट ये होती है कि पहले तो हम पेशेंट को अपनी हैबिट क्विट करने का बोलते हैं, जो भी टोबैको च्यूइंग, सुपारी खाना या तो स्मोकिंग जो भी हैबिट रहती है वो क्विट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हैबिट कंटिन्यू करते हैं तो ये ट्रीटमेंट का कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर पेशेंट हैबिट क्विट करता है तो उसके साथ साथ हम उसको माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेज जैसे आइसक्रीम की स्टिक का बंच है वो मुंह में रख के जितना मैक्सिमम मुंह खुलता है उतनी बंच लेके रोज 5 से 10 मिनट दिन में 2 से 3 बार एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। उसके साथ हम मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं जो अपनी जो स्किन रहती है मुंह की उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जो मल्टीविटामिन्स जरूरी होते हैं, खास करके जिस पेशेंट्स को हैबिट रहती है उनमें ये मल्टीविटामिन्स काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रोल रहता है। तो ये खाली इतना करने से पेशेंट अपना नॉर्मल माउथ ओपनिंग तक पहुँच सकता है। कमिंग टू स्टेज टू, इससे थोड़ा ज़्यादा सीरियस स्टेज है स्टेज टू के, जिसमें पेशेंट का मुंह है वो 20 से 30 mm 20 to 30 mm खुलता है, रफली बोला जाए तो 2 से 3 फिंगर जाएगा मुंह के अंदर उतना मुंह खुलता है। तो ये पेशेंट में थोड़ा बहुत मुंह में जलन यानी कि बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, मुंह में छाला पड़ना यानी कि अल्सरेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और मुंह धीरे धीरे करके कम खुल रहा है वो पेशेंट्स को कॉन्शियसली पता चलने लगता है। तो ये स्टेज की ट्रीटमेंट का अगर मैं बात करूँ तो इसमें इंट्रालीजनल इंजेक्शंस यानी कि जो मुंह के अंदर फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो एक एडवांस स्टेज में स्टेज टू से पता चलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो फाइब्रस बैंड्स को ब्रेक करने के लिए इंट्रालीजनल इंजेक्शंस हम प्रिफर करते हैं और उसके साथ साथ माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेज और मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये पेशेंट्स को धीरे धीरे मुँह खोलने में, मुँह ज़्यादा खुलने में फ़ायदा होता है। अब कमिंग टू एडवांस स्टेज विच इज़ स्टेज थ्री, तो स्टेज थ्री में पेशेंट का मुंह 20 mm से भी कम खुलता है यानी कि 2 उंगली भी मुंह के अंदर नहीं जाती है उतना मुंह कम खुलता है। इसमें बहुत ज़्यादा फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं स्किन के अंदर और मुंह एकदम से कम खुलता है। ये स्टेज में पेशेंट को हरेक सिम्टम्स, मुंह में छाला पड़ना या तो गर्म तीखा खाने में मुँह में जलन होना, मुँह की फंक्शनल मूवमेंट यानी कि जो भी मूवमेंट होती है जहाँ बोलने के टाइम पे, खाना चबाने के टाइम पे, वो सब में पता चलता है कि दिक्कत है और ये पेशेंट्स में आगे जाके दर्द होना या तो खाना खाने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होना ये सब सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनमें एडवांस्ड जो स्टेज होता है स्टेज थ्री उसमें ट्रीटमेंट है सर्जिकल ऑप्शन यानी कि मुंह के अंदर के जो फाइब्रस बैंड्स है उसको हमको रिलीज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं OSM फाइब्रोटोमी। तो सर्जरी की मदद से, छोटे से ऑपरेशन की मदद से, ये आप देख सकते हो कि हमारे पेशेंट्स में जो 20 mm जितना मुंह खुल रहा था वो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी मुंह खुलने की जो फाइब्रोटोमी प्रोसीजर है उसके बाद अराउंड 35 to 40 mm मुंह खुल रहा है इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेशन। तो ये पेशेंट्स को हमको ऑपरेशन या तो सर्जरी के लिए कंसिडर करना पड़ता है। ये पेशेंट्स में भी अगेन हैबिट क्विट करना कंपलसरी है। उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेस जो हम 6 to 8 months तक कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं और उसके साथ साथ मल्टीविटामिन्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो अगर कोई भी पेशेंट कितने भी एडवांस स्टेज में, स्टेज थ्री में भी क्यों ना हो, अगर उनको मुंह वापस से खुलना है तो हैबिट क्विट करके ऑपरेटिव प्रोसीजर करा के पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरापी यानी कि माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू करके अपने मुँह को और ज़्यादा बेहतर खुल सकता है और अपने एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है।